हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम बीट रूट सीरम बनाएंगे। ये सीरम हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट बनाता है। ये हमारी स्किन पर से सारे डार्क स्पॉट्स रिमूव करके हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सफल बनाता है। ओपन पोर्स की समस्या को दूर करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे ब्लेमिशेस को रिड्यूस करती हैं, साथ ही हमारी फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी एकदम दूर कर देता है। तो आइए बीट रूट सीरम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बीट रूट लेंगे, इसे हम चुकंदर भी कहते हैं। तो अब हम इसके एंड्स को इस तरह कट करेंगे और अब हम पिलर की हेल्प से इसका छिलका निकाल लेंगे। तो यह मैंने इसे इस तरह छील लिया है। तो अब हम एक ग्रेटर ले लेंगे और बीट रूट को इस तरह ग्रेट करेंगे। तो क्योंकि हमें बीट रूट का जूस निकालना है, तो आप चाहें तो इसे मिक्सी में छोटे छोटे पीस करके भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने बीट रूट को ग्रेट कर लिया है। तो अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसमें कद्दूकस करा हुआ बीट रूट डालकर इसका जूस अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने लगभग 1 टेबल स्पून के करीब बीट रूट जूस निकाल लिया है। बीट रूट जूस में विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन पर से सारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करके हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाता है। तो अब हम इसमें एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। विटामिन ऑयल हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, साथ ही हमारी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को भी एकदम दूर कर देता है। और अब हम इसमें ये आधा छोटी चम्मच के करीब ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन हमारी ड्राई स्किन को हाइड्रेट रखती है, साथ ही हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बना देती है। तो अब हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम लास्ट में इसमें एक बड़ा चम्मच के करीब एलोवेरा जेल डालेंगे और इसे भी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें सन बर्न होने से बचाती है, साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी फाइन लाइन और रिंकल्स को भी रिड्यूस करती हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ आप देखिए कि हमारा सीरम कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इस तरह कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच का कंटेनर ले लेंगे और इसमें इस सीरम को स्टोर करेंगे। तो यह मैंने सीरम को एक कंटेनर में अलग निकाल लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद ये थोड़ा सा सीरम लेके अपने फेस और नेक पर इस तरह जेंटली मसाज करें। आपको इसे सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले इसी तरह अप्लाई करना है और इसके रेगुलर यूज से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, फाइन लाइन जैसे रिमूव होने लगेंगे, ओपन पोर्स की समस्या दूर हो जाएगी और साथ ही आपकी स्किन पर से सारे एक्ने, पिंपल्स और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाएगी। प्लस आपकी डल स्किन बहुत ज़्यादा रेडिएंट लगने लगेगी। आप इस सीरम को एक बार बनाकर 2 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस सीरम को एक बार तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।